Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be covering the multiplication of matrices. So basically maine ek definition likhi hai, the product matrices of A or B tabhi defined ho sakta hai jab number of columns of matrices matrix A वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल हो, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल इस केस में. सो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है तो मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, मतलब नंबर ऑफ रोज एम है उस मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स है एन. सिमिलरली हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स पी है, लाइक एन क्रॉस पी उसका ऑर्डर है. सो इस केस में ही हमारी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है. जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स ए का वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल हो, तब हम मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट ले सकते हैं. और हमारा मैट्रिक्स ए और बी का लाइक एज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स एक सी बनेगा, तो उस मैट्रिक्स का हमारा क्या होगा, उसमें हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का एम क्रॉस पी. ओके, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी. अभी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है 6, 9, 2, 3. लेट्स अज्यूम एक मैट्रिक्स है जिसके ये एलिमेंट्स हैं. दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 7, 6, 9, 0, 8. ये एक मैट्रिक्स है, तो आप देख सकते हो इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है. हमें ए बी निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को. तो हम सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो 2 क्रॉस 2. इसका हुआ 2 क्रॉस 3. तो क्या आप देख सकते हो एज पर द डेफिनेशन क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. एज पर द डेफिनेशन नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. इक्वल है तो पॉसिबल है. सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन निकालना. तो सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जब आप मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की करते हो तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3. मैंने लास्ट में इसमें डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया एम क्रॉस पी होगा हमारा ऑर्डर, तो 2 क्रॉस 3 दो रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे. ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं होता, हमारा मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमारा एडिटिव मल्टीप्लीकेशन होता है. एडिटिव मल्टीप्लीकेशन इज लाइक आप पहले एलिमेंट के पहले रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस देन सेकेंड फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम को आप अपने सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे. तो हमेशा ये याद रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो कॉलम वाइज होती है. ऐसे ओके ऐसे होगी हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. पहले हम फर्स्ट रो से कंसिडर करते हैं. फर्स्ट रो को हमें पहले सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को हम स्टार्ट करते हैं 6 और मल्टीप्लाई करना है हमें 2 के साथ. तो क्या होगा, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से. मैं प्रॉपरली मैं सीधा करूंगी नहीं, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ. ओके थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ. ओके 2 क्रॉस 3 तो हमारा पहला क्या होगा, 6 को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 6 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस हमारा 9 होगा 7 से मल्टीप्लाई. ओके ये हुआ हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो आपको समझ आ रहा है एलिमेंट क्या है, ए आई जे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से फर्स्ट मतलब सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ओके सो हमारा ये क्या होगा, ए 1 2 फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स यार. सो सिमिलरली 6 6 प्लस 9 9 A 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स ही सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, 6 0 प्लस 9 8
तो आपका ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हम सेकेंड रो में आते हैं। तो ये हमारा 8 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 प्लस 3 7, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम नो 8 2 2 हुआ ना, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ऐसे चलना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 3 9, 2 0 प्लस 3 8, ये तो समझ आ गया ना, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लेट्स अज्यूम सी। तो ये हुआ हमारा 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 9 is 72, 4 plus 21, 12 plus 27, 0 plus 24, ओके अब निकालो, जस्ट ऐड कर लो, इजी है, 75 117 72 हुआ, ये तो ये 25 हुआ, ये 39 और ये 24, तो आपका मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का आ गया, सी आ गया आपका ए मल्टीप्लाई बी। ओके सो ये इजी था, एक छोटा और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये फर्स्ट एग्जांपल था, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। ओके सेकंड एग्जांपल के साथ भी एक बार और सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लिया हमने, ओके ए मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 -4 -2 2 3 5, एक मैट्रिक्स ए है। बी मैट्रिक्स मैंने लिया 2 4 2 3 5 1, और हमें ए भी निकालना है। ओके ये क्या हुआ, पहले ऑर्डर निकालो 2 क्रॉस 3, अब ऑर्डर तो आप लिटरली ऐसे देख के बता सकते हो, इतना इजी हो गया, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, तो 3 क्रॉस 2 देख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, हो गया। अब आप बता सकते हो इजीली देखे कि हमारा सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2, ओके चलो अब निकालते हैं सी मैट्रिक्स, हमारा ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके ओके सो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस -2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ओके अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस -2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारा सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम माइनस, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना, -4 2 प्लस 2 4 प्लस 5 2, सिमिलरली -4 3 प्लस 2 5 प्लस 5 एंड इंटू 1। अब निकाल लेते हैं इजीली, क्या होगा 2 -8 plus 6 3 -10 plus 3 -8 plus 8 plus 10 -12 plus 10 plus 5। ओके अब निकाल लो, ये आया हमारा फर्स्ट, ये तो जीरो ही हो गया, ये हुआ हमारा -4, ये -8 और +8 कट गया 10, और ये हुआ हमारा 3, ये हमारा एक बी का निकल गया मल्टीप्लीकेशन। ओके सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ ए बी। जस्ट एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर आपको इसी केस में बी ए निकालना होता तो बी ए क्या होता आपका, बी ए निकालना है तो आपको देखना है बी हमारा मतलब अब आपका फर्स्ट मैट्रिक्स कंसिडर हुआ बी, पहले आपने ए को फर्स्ट मैट्रिक्स लिया था, अब आपका बी मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट होगा, तो इसका फर्स्ट कॉलम आपके रो के इक्वल है, हाँ अब आपका बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, अब आपका ए बी मैट्रिक्स का क्या था 2 क्रॉस 2, और इसका आपका आएगा 3 क्रॉस 3, तो आप ऑर्डर देख के बता सकते हो कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है ही नहीं, ऑर्डर ही अलग है। अगर ऑर्डर सेम होते तब हम एलिमेंट्स देख के कंसिडर करते, चेक करते कि वो हमारा कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, लेकिन ऑर्डर से ही आपको पता चल रहा है कि हमारा ए बी का बी ए का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो एलिमेंट्स तो सेम कैसे होंगे, तो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ओके
So I hope आपका matrix multiplication भी clear हो गया हो. So this is it for the video. Thank you.